बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली कुकिंग तड़का में। आज हम फिर से हाजिर हैं आप एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाला है। झटपट बनने वाली ये रेसिपी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये हमने यहाँ पे एक गिलास दाल ली है फ्रेंड्स, इसको हमने धोकर अच्छे से वॉश करके यहाँ पे रखा है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने 200 ग्राम के करीब घी गर्म कर लिया है, कोई भी घी आप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे दाल को फ्राई करेंगे। दाल को हमने यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पर ही कुक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ताकि दाल अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। चलाते हुए हम इसको यहाँ पे कुक करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, दाल हमारी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमने इतनी ही गोल्डन ब्राउन करनी है, ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है। अब हम यहाँ दाल को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने तक वेट करेंगे। दाल को हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम यहाँ मिक्सी की मदद से इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने यहाँ पर मिक्सी की मदद से पीस लिया है। यहाँ पर हमने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा दरदरा पाउडर हमने यहाँ पे इसका बनाया है। ये रहा, हल्का दरदरा पाउडर बनाएं। और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये काजू हैं 50 ग्राम के करीब और ये किशमिश है। यहाँ पे हमने बादाम लिए हैं, कुछ बादाम हमने यहाँ पर टुकड़ों में कट कर लिए हैं, ऐसे ही हमने कट करने हैं। और ये ड्राई फ्रूट हम इसमें ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक गिलास यहाँ पे हमने चीनी ली है, 200 ग्राम के करीब ये चीनी होगी, क्योंकि 200 ग्राम के करीब ही हमने यहाँ पे दाल ली थी। और यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, अब हम दाल को एक बार और घी में ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हरी इलायची को स्किप करके ऐसे ही इसको बनाऊँगी। ये बहुत ही लाजवाब हलवा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे बिना झंझट से ये बनने वाला है। हम यहाँ पे इसमें पहले दाल को उबालते थे, पीसते थे, कोई भी झंझट नहीं हमने यहाँ पे रखना है। आसान तरीके से दाल हलवा हम बनाकर रेडी करेंगे। अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, एक मिनट तक हम इसे ऐसे भून लेंगे घी में और पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। हलवे में हमने 2 गिलास पानी ऐड किया है। जो ड्राई फ्रूट लिए थे हमने वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं फ्रेंड। अब हम चलाते हुए हलवे को लगातार भूनेंगे, खुश्क होने तक हम हलवे को ऐसे ही चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे और हलवा हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। आप देखेंगे इसकी थिकनेस बढ़ने लगी है। यहाँ पर फ्रेंड हम लगातार चलाते हुए हलवे को भून लेंगे।
हमने 2 से 3 मिनट के लिए ही बस हलवे को और भूनना है, फिर हम आप हलवे को सर्व करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हलवा बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी हलवा बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही दानेदार हलवा है। आप इसे खाएंगे तो कहेंगे कि वाह वाह क्या हलवा है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।